डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेशर्स। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम कैसे काम करता है, क्या अप्रोच हम यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग गाइज लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इवन सजेस्टेड वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार ये काम कैसे करता है। ऑल्दो मैं इस वीडियो में भी आपको हल्का सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन फिर भी एक बार आप एग्जांपल चेक कर लोगे तो आपका ही भला इसमें। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम की, तो ये सूडो कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है। सूडो कोड को समझते हैं और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे। एनालिसिस का मतलब क्या है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कितना टाइम ये एल्गोरिदम लेता है आंसर फाइंड आउट करने में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें चेक क्या करना है कि कौन सा ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा है और उस ऑपरेशन को हम कितनी बार कर रहे हैं। मेन चीज तो यही है कि कौन सा ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा है और उस ऑपरेशन को हम कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो स्टार्ट करते हैं डिजेस्ट्रा एल्गोरिदम। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं डिजेस्ट्रा ग्राफ और सोर्स, दो चीजें हमने ली है। ग्राफ, जैसे कि ये मेरे पास ग्राफ यहां पे दिया हुआ है, मैंने छोटा सा लिया है ग्राफ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सोर्स, लेट से मेरा सोर्स जो है वो क्या है, वन। सोर्स मेरा कौन सा है, वन, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता है। अब देखो, क्रिएट अ वर्टेक्स एट क्यू, मतलब जितने भी हमारे पास वर्टेक्स हैं उनका हमने एक सेट बना लिया और क्यू हम उसमें डालेंगे, ठीक है ना। हम यहां पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, हीप यूज कर रहे हैं, और हीप में भी हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मिन हीप को यूज करेंगे ताकि हम इसको इंप्लीमेंट कर सकें विद मिनिमम टाइम। अब देखो, फॉर ईच वर्टेक्स वी इन द ग्राफ, सबसे पहले हमने करना क्या है, हर एक वर्टेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस ऑफ वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसे ही करते हैं हम लोग, करते क्या है कि जो भी डिस्टेंस है ना उसको हम क्या कर देते हैं स्टार्टिंग में, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक है। और जो सोर्स है, सोर्स का डिस्टेंस हम स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, जीरो। सबसे पहले हमें यहां पे पहला स्टेप यही करना होता है कि जो ग्राफ है उसका सोर्स का, क्योंकि हम सोर्स पे खड़े हैं तो सोर्स से सोर्स जाने का ऑब्वियसली डिस्टेंस, जब हम ऑलरेडी उसके ऊपर ही खड़े हैं सोर्स के ऊपर, तो जीरो ही होगा। और बाकियों का अभी हमें कुछ नहीं पता, जब हम रिलैक्स करेंगे तब हमें पता लगेगा, मिनिमाइज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, अभी फिलहाल इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। तो यही हमने यहां पे स्टेप किया हुआ है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एड वी टू क्यू, मतलब जो भी हमारे वर्टेक्स है उनको हम क्यू, मतलब ये ऑपरेशन आपका क्या है, ये ऑपरेशन है आपका बिल्ड हीप। हम यहां पर क्या बना रहे हैं, हीप को क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉइंट आप सारे नोट करते जाना, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पे हमने किया क्या, एड वी टू क्यू। अब हमने ये जो वर्टेक्स है ये हम क्या कर रहे हैं, हीप में एड कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसमें से मिन वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने सिर्फ बिल्ड हीप यहां पर बनाई है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, मतलब जब तक सारे वर्टेक्स खत्म नहीं हो जाते हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मिन किया और उसको नाम दे दिया यू से, मतलब सारे वर्टेक्स में से, हीप में से जो हमने बनाई उसमें से मिनिमम एलिमेंट को हमने चूज कर लिया, और मिनिमम एलिमेंट ऑब्वियसली क्या आएगा अभी, एस, ये जीरो वाला आएगा ना, सोर्स आएगा, क्योंकि बाकियों की तो इनफिनिट है, ये मेरा जीरो वाला यहां पे आ गया एक्सट्रैक्ट मिन। लेट्स से इसको मैंने बोल दिया यू, इसको क्या बोल दिया यू। अब हमने किया क्या, फॉर ईच नेबर वी ऑफ यू, वही चीज हम कर रहे हैं। सबसे पहला अगर ये मेरा यू है, फॉर ईच नेबर ऑफ यू, जितने भी नेबर्स हैं यू के उनको हमने नाम दे दिया, लेट्स से वी, मतलब ये तीनों जो है वो नेबर्स हैं यू के। अब हम इसको क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे यू वी को। तो रिलैक्स करने के लिए वही जीरो प्लस टेन, जीरो मतलब इस नोड का डिस्टेंस कितना है, इस नोड के ऊपर खर्चा कितना लग रहा है, जीरो, प्लस यहां से यहां तक जाने का टेन, तो जीरो प्लस टेन क्या हो गया, टेन। क्या टेन लेस देन इनफाइनाइट है, है, तो यानी मेरा ये डिस्टेंस जो है वो कम होके क्या हो गया, टेन। इसी को हम क्या बोल रहे थे, रिलैक्स। मैं रेड कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, टेन। अब हम इसको रिलैक्स करेंगे, ये क्या हो गया, ट्वेंटी। अब हम इसको रिलैक्स करेंगे, ये क्या हो गया, थर्टी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम हरेक नेबर ऑफ यू को रिलैक्स करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब फिर हम क्या गए,
व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, अभी हम बाहर नहीं आए यहां से, व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, अब नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है, नेक्स्ट मिनिमम आपका है 10. अब हम 10 को उठाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी नेबर्स हैं उनको मिनिमाइज करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको रिलैक्स करेंगे. तो लेट्स सी नेक्स्ट कौन सा आ गया, 10 वाला ये. अब इसका नेबर कौन सा आ गया, 5. ठीक है, तो 10 प्लस 40 क्या हो गया, 50. 50 लेस देन इंफिनिटी है, 10 प्लस 40, 50 लेस देन इंफिनिटी, यस. तो इसको हमने रिलैक्स करके क्या कर दिया, 50 कर दिया. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके उठाएंगे. फिर नेक्स्ट मिनिमम कौन आएगा, 20. तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको रिलैक्स करेंगे, तो 20 प्लस 50 70, क्या 70 लेस देन है, नहीं, तो हम इसको एज इट इज 50 रहने देंगे. फिर हम 30 वाले को रिलैक्स किया, 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग 30 प्लस 60 90, क्या 90 लेस देन 50 है, नहीं, तो इसको हम 50 ही रहने देंगे. लेकिन चेक तो करेंगे ना, चेक करना जरूरी है. मे भी हो सकता है ये 60 के बजाय अगर 6 होता तो ऑब्वियसली फिर कम हो जाता, फिर हम इसको चेंज कर देते. वही चीज हम यहाँ पे एक एक करके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो आई थिंक आपको आइडिया जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक एक करके रिलैक्स कर रहे हैं. जब नेक्स्ट उसके बाद दोबारा फिर ये चलेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे 50 हो चुका है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ज्यादा आ रहा था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ज्यादा, तो ये 50 वाला ही थ्रू 2 जो है, वायर 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी. तो इस तरीके से सारे नोड्स पे हम रीच कर जाएंगे फ्रॉम सोर्स 1. ठीक है, अब हमारे पास आता है जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वही कौन सा ऑपरेशन है कितनी बार कर रहे हैं. तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहला मेजर ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच वर्टेक्स वी इन ग्राफ हम उसको इन्फिनिटी. तो देखो किस कितने वर्टेक्स को हमने इन्फिनिटी किया, जो भी मेरे n माइनस 1 वर्टेक्स टोटल v वर्टेक्स थे, तो v माइनस 1 को इन्फिनिटी किया और स्टार्टिंग वाले को सोर्स को हमने जीरो किया. यानी ये ऑपरेशन हम कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, v टाइम्स, कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स, v मतलब जितने मेरे पास टोटल वर्टेक्स हैं, इसको हम अलग से लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ v. ठीक है, कितनी बार, जितने मेरे वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स को हम इन्फिनिटी कर रहे हैं और स्टार्टिंग वाले को जीरो कर रहे हैं. तो ये मेरा v टाइम हो गया. अब देखो नेक्स्ट हम यहां पे क्या कर रहे थे, एड v टू q, मतलब हम यहां पे बिल्ड हीप जो है वो फंक्शन यूज कर रहे हैं, हम हीप बना रहे हैं सारे वर्टेक्स का. तो बिल्ड हीप ऑपरेशन कितना टाइम लेता है, इसका भी मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं, हीपीफाई मेथड विद प्रूफ बता चुका हूं कि अगर हमने बिल्ड हीप करना है तो वो ऑर्डर ऑफ n टाइम में हम कर सकते हैं. तो यहां पे वहां n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे v है, दैट इज अ नंबर ऑफ वर्टेक्स. तो ये भी मेरा ऑपरेशन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ v टाइम्स. ठीक है, तो इसको भी मैं ऑर्डर ऑफ v टाइम्स जो है वो लिख देता हूं. पहला आया इन्फिनिटी वाला करने का सारे वर्टेक्स को, और दूसरा आया मेरा बिल्ड हीप बनाने का, मेन हीप बनाने का. देन व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी, मतलब जब तक q मेरी एम्प्टी नहीं होती, सारे वर्टेक्स को हम चेक नहीं करते, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट मिन एलिमेंट को, जब हम मिन हीप में से एक एलिमेंट को हटाते हैं, मिनिमम एलिमेंट को हटाते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं वो लास्ट वाला, तो वो सारा कितना टाइम लेता है, ऑर्डर ऑफ log v. वहां पे होता है log n, यहां पे ऑब्वियसली n की नहीं है, यहां पे नंबर ऑफ वर्टेक्स है, तो log v. लेकिन ये तो एक एलिमेंट के लिए है, एक अगर वर्टेक्स को एक्सट्रैक्ट करना है, मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो log v टाइम लेता है. लेकिन ये ऑपरेशन हम कितनी बार कर रहे हैं, जितने मेरे वर्टेक्स हैं, हर एक वर्टेक्स के लिए करेंगे. यानी ये ऑपरेशन मेरा कितना हो गया, v log v. ठीक है ना, एक को कम करने के लिए log v, कितनी बार कर रहे हैं, v टाइम्स कर रहे हैं, तो v log v इसका टाइम हो गया. फाइनली हमारे पास आ गया जी लास्ट रिलैक्स, फॉर ईच नेबर v ऑफ u रिलैक्स कर रहे हैं. अब ये रिलैक्स का फंडा क्या है, एक तरह से रिलैक्स मतलब पहले ये इनफाइनाइट था, हमने डिक्रीज करके 10 कर दिया, इनफाइनाइट था डिक्रीज करके 20 कर दिया, इनफाइनाइट था डिक्रीज करके 30 कर दिया. तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वर्टेक्स हम लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं, और डिक्रीज की कितना टाइम लेता है, वही चीज हर एक वर्टेक्स के लिए हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज की भी मेरा कितना टाइम लेता है, लॉग वी टाइम यहां पे डिक्रीज की लेगा. ठीक है ना, हर एक वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज करने में मेरा लॉग वी टाइम ले रहा है. और दूसरा पॉइंट यहां पे कितनी बार कर रहे हैं, ये तो हो गया लॉग वी एक को करने के लिए, लेकिन कितनी बार कर रहे हैं इस चीज को, कितनी बार चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखो कितनी बार कर रहे हैं. पहले ये 10 था, इसी 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग यूज करके, इस एज के वेट को यूज करके हमने इनफाइनाइट से 10 कर दिया, इस एज को चेक करके इनफाइनाइट से 20, इस एज को चेक करके इनफाइनाइट से 30, इस एज को चेक करके इनफाइनाइट से 50, इस एज को चेक किया लेकिन ज्यादा आ रहा था तो हमने 50 रखा, इस एज को चेक तो किया था ना तभी 90 पता लगा था, लेकिन 90 लेस नहीं था तो हमने इसको 50 ही रखा. लेकिन चेक तो एवरी एज को हमने किया, यानी कितनी बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, e टाइम्स.
कितनी बार e टाइम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एजेस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, डिक्रीज की को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये मेरा टोटल जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बन जाती है। अगर आपको टोटल पूछते हैं तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम एक ही आंसर लिखते हैं और वो आंसर कौन सा होता है, बिगेस्ट टर्म, डोमिनेटिंग टर्म। तो ये तो v है, छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, v log v और e log v में से बड़ी वैल्यू आप खुद ही बता दो कौन सी होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा log v, log v तो सेम ही है, यहां पे नंबर ऑफ वर्टेक्स है, यहां पे नंबर ऑफ एजेस है, ऑब्वियसली आपको दिख ही रहा है। इवन नॉर्मल वर्टेक्स, अगर हम नॉर्मल ग्राफ की भी बात करें उसमें कहीं ना कहीं एजेस जो है वो वर्टेक्स से ज्यादा ही रहती हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, e log v। Getting the point or not? क्योंकि अगर हम सिंपल ग्राफ भी यूज करते हैं तो सिंपल ग्राफ में n into n minus 1 divide by 2, n से 2 edges जो है वो हो सकती हैं अगर n number of vertex है, तो जिसको हम normal आप कह ही सकते हो कि number of edges जो है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी as compared to vertex। तो e log v time complexity जो है वो इस तरीके से मेजर करते हैं Dijkstra algorithm की। तो guys ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यू कहीं पे भी पूछ लें, आप कभी स्टक नहीं करोगे, ईच एंड एवरी पॉइंट आप क्लियरली बता सकते हो। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए ताकि कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर ज्यादा हो, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको भी बेनिफिट हो, हमें भी बेनिफिट हो। थैंक यू।